गुड़ लगता नहीं भोजपुरिया समाचार मेरा और स्वागत बटुए फिर एक बार महिला थाना में बाजल सहनाई। जी हाँ, महिला थाना में एक बार फिर से सहनाई बाजल बा। फिर से एक बार प्रेम प्रसंग के मामला महिला थाना के थानेदार भी पहुँचल बटुए। जेल ना जाए के पड़े यह डर से लोग सहनाई बजावे पे मजबूर हो गिल बड़ा। ताज़ा मामला जौन बटुए कहाँ से बा भोजपुरिया समाचार सब बताई। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। कहल गइल बटुए कि प्यार ना ही छीन है ला गोर है कि करिया आ धक से समा जाला दिल के भीतरिया। एगो और गाना रहल हा कि जब नैना चार हो गइल अचके में प्यार हो गइल मिले के करार हो गइल घर के पिछुआरी में। पुरानिया आदमी कहले बाणे बबुआ कि ब्याह करिह तो माई बाबू के मन से करिह, लेकिन आजकल के युवा प्यार के पहाड़ा पढ़तरन आ ई नइखन जानत कि कबो ना कबो उ दुल्हनिया जब थाना में पहुँची तो का हाल होई। थाक हार के मांग टिकही के पड़ी, ब्याह करही के पड़ी। जी हाँ, महिला थाना में सहनाई बाजल बा। दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य बंधन में फिर से एगो प्रेमी जोड़ा जुड़ गई बाड़े। बक्सर महिला थाना के थानाध्यक्ष कनिष्का तिवारी तो बक्सर महिला थाना के थानेदार कनिष्का तिवारी के पहल पो एक बार फिर से दाम्पत्य जीवन के डोर में प्रेमी प्रेमिका बंध गेल बाड़े। दोनों जाना के परिवार आ पुलिसकर्मी के मौजूदगी में एक दूसरा के दोनों जाना जयमाल पहनावत। ओहिजे पति बनल बक्सर जिला के कुरान सराय के भानु कुमार मौर्या नावानगर थाना क्षेत्र के अमीरपुर गांव निवासी लक्ष्मी देवी के मांग में सिंदूर डाल के उनका के पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। सात जन्म के रिश्ता निभावे के वचन दिहले। जानकारी के अनुसार कुरान सराय के स्वर्गीय गोपाल मौर्या के लड़का भानु कुमार मौर्या आ अमीरपुर के स्वर्गीय सुशील कुमार सिंह के लड़की दुर्गा के बीच चार बरिस से प्रेम प्रसंग चलत रहे। एक दूसरा के चाहत रहे लोग, जिए मरे के कसम खात रहे लोग, एक दूसरा पे जान छिड़कत रहे लोग। लेकिन लड़का पारिवारिक दबाव में आके शादी के तैयार ना होत रहे। लोक लाज रहे, लड़का सोचत रहे कि माई बाबू से कहब तो बड़ा बात सुने के मिलिए बाबू, ऐसे हम कहब ओहब ना। जेकरा बाद लड़की लगातार दबाव बनावत रहे कि हमारा साथे चार साल तक रौदा रहनी, ब्याह करही के पड़ी। अंत में मजबूर हो के लड़की महिला थाना में आवेदन दिहलस। एकरा बाद थानेदार कनिष्का तिवारी लड़का इनकर परिजन के बोलवा के काउंसलिंग कर। काउंसलिंग के मतलब होला दोनों लड़का लड़की के बोला के उनकर मन के बात जानल जाला। एकरा बाद परिजन के बोलावल जाला आ राजी क के दोनों जना के हाथ पियर क दियाला। एकरा बाद लड़का उनकर परिवार शादी खातिर राजी हो गई। थानेदार अपना पैसा से बर वधू खातिर नया कपड़ा मंगवैली। शादी के अन्य सामान के साथ ही पंडित के बुला के छठ मंगनी पट ब्याह के तर्ज पे थाना परिसर स्थित मंदिर में ही दोनों जना के ब्याह करवा दीहली। थानेदार के पहल के सब तरफ प्रशंसा हो रहल बा। यह दौरान थाना के सब पुलिसकर्मी मौजूद रहन। बता दी कि पाँच दिन पहले भी महिला थाना के थानेदार अपना सूझबूझ से एगो प्रेमी जोड़ा के शादी करा दिहले रही। थानेदार के कार्यशैली से जिला भर में सराहना हो रहल बटुए। होखहू के चाही कहे से आकि शादी हो गइला के चलते दू गो लोग बिछड़े से रुक जालन, ओमे जेल जाए से बच जालन। लड़का दोनों जना बालिग रहल हन, प्रेम चलते रहल हा, एक दूसरा से प्रेम करते रहल हा। लोग लड़की अपन हक अधिकार के मांग करे खातिर थाना में आवेदन दे दिहली।
भोजपुरिया समाचार एक एक खबर पर निगाह बनैले बा, हर खबर मजबूती से देखैले बा। निहोरा बा शेयर करी, कमेंट करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई। इस खबर के प्रायोजक हैं G20 सुपर मार्ट नया भोजपुर।